और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जो मैं रेफरेंसेस अभी देने लगा ठीक है तो किधर गए हैं हाँ इंतजार कर रहे हैं साइड में कोई बात नहीं कोई बात नहीं वो मेरे पे छोड़ दें साथ रहें हाँ हाँ। आ, तो मसला नहीं वो तो इंतजार करेंगे जब जब अच्छी बात हो रही हो इज्जत के साथ तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा मकसद है सनातन धर्म को समझना और अगर मैं कन्विंस होगा तो उसको स्वीकार करना ठीक है बिल्कुल वो, क्योंकि सत्य का स्वीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिए ये तो सिंपल सी बात है सनातनी देखो एक मैं मैं, मैं अप, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है ना कि एक डिस्कवरेबल रिलीजन है यानी कि आप है ना इसमें जैसे मनुष्य प्रजाति बनी है तो वो है ना खुद ही अपने आप से डिस्कवर करते करते उन्होंने ये चीज बना ली है कि यार ये चीज है ना सही चलेगी समाज में और ये बहुत पहले से होता आ रहा है ना इसीलिए आपको इस बात बहुत सारी फिलोसफी दिखती है अलग अलग दर्शन दिखते हैं अलग अलग लोग विचारधारा दिखती है फिर भी सब मिलजुल के रह लेते हैं मतलब कितनी बड़ी बात है यही तो बात है कि आप को मानो मानो या नहीं नहीं लेकिन आपको आपको है ना कोई मारेगा मैं मैं और वो सारा कुछ दिखाऊंगा रुक मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा मेरे पास कुछ मेरे सवाल आते हैं इसीलिए तो मैं आपके साथ हूँ जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा क्योंकि मैं इस वक्त ना बहुत ज्यादा ये देखें हाँ आपने कहा कि वेद को नाम मानने वाला भी सनातन हो सकता है ऐसे ही है ना आपने कहा तो पहले उसको हम ले लेते हैं एक एक चीज को ये जरा पढ़िएगा आपके सामने सत्यारत प्रकाश का चतुरथ समुलास है और पेज है 80, 88 77, 76 और 77। सेवन. इसको जरा ऊपर से पढ़िएगा और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकता यानी कि जो नॉलेज है ना फैक्चुअल नॉलेज वो इटर होता है और अगर उस जो अनफेक्चुअल है वो इटर नहीं होता नहीं नहीं इस नहीं, इस नहीं, 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 नहीं नहीं, नहीं, आप देखें, तो देखें अगर अगर देखें, इससे बात हम्म देखें फरक फर्क समझना है देखें आप शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं जबकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की प्राक्षित प्रकाशित परमेश्वर की तो प्रकाशित वेद कौन सी है हाँ हाँ, देखो देखो यहाँ पे जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी का मानना है ना वो यही मानना है कि जो वेद है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद वो परमेश्वर तो द्वारा प्रकाशित किए हुए हैं थैंक यू थैंक यू ये आपसे जानना था उनके बतौर तो आप स्वाध और इसीलिए वो बॉयकॉट भी करते दूसरी चीजों का जो मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये वेद विरुद्ध है तो जी 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 आप याद रखिएगा धर्मा भाई के वेद का जो शाब्दिक अर्थ आप कर रहे हैं वो यहाँ लग नहीं सकता उसका कारण ये है कि उन्होंने कैटागोरिकल क्लियर किया है परमेश्वर की प्रकाशित वेदिक बात है वो, हैं? वही सनातन और उसके विरुद्ध है वो सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं सवाल खुद पूछा फिर कहा अवश्य चाहिए ठीक है तो यानी ये जान लें कि इतना स्ट्रेस देकर आपने जब कहा कि सनातन कोई भी हो सकता है चाहे वेद को ना मानता हो एक तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहता था कि मैं बहुत कंफ्यूजन के अंदर बड़ी समस्या के अंदर फंसा हुआ हूं मुझे नहीं समझ आ रही दूसरा मैंने आपको जो प्रमाण देना था जनाब वो ये देना था कि वेद निंदक के साथ क्या करने को कहा गया ठीक है ना अब मैं आपसे एक बात पूछू जब आर्य समाज नहीं था मतलब मान लो कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी नहीं थे उसके पहले क्या सनातन धर्म था exactly. यही तो मैं कहता हूं। मगर स्वामी दयानंद सरस्वती हाँ, ने के अंदर आप रख लो। जब ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये चारों वेद नहीं लिखे हुए थे और इनका ज्ञान किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं था यानी कि कोई मनुष्य इस धरती पर था ही नहीं तब भी जो सत्य है ना इटरनल है ना वही सनातन है समझ रहे हो यानी कि जो सनातन आ, सत्य, आ, सत्य है ना हमको उसको मानना चाहिए वेद से आप ज्ञान ले सकते हो आपको जितना समझ में आओ उतना समझो नहीं समझ में आए तो आप उसको रिजेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है और उसके पीछे कोई लड़ाई भी नहीं करेगा लेकिन है ना जो इटरनल नॉलेज है ना इटरनल नॉलेज हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए तो इसलिए ना आपको ऐसा लगता है ना कि वेद नहीं मानना तो मत मानो दयानंद सरस्वती जी को नहीं मानना मत मानो पुराण नहीं मानना मत मानो ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ आपने कहा था कि वेद निंदक हो या दूसरा हो आ, वो यानी एक बंदा वेद को नहीं मानता तो वो अधर्मी नहीं हो सकता ऐसे ही है ना ज़रूरी नहीं कि वो धर्मी हो हम्म ठीक है ना ये आपके सामने है ये सत्यारत प्रकाश के सफ़ा 476, 476 के ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी पांच चीजें लिखी हैं आखिर में जाके बिल्कुल सत्यारत प्रकाश के आखिर में जाके यानी ये समझ लें दशम समूलास जो है, उस में में हाँ। हाँ। मैं मैं तो है उसको अधर्म मानता हूँ मतलब ज्ञान सरस्वती ने क्लियर कट बोल दिया है कि जो वेद विरुद्ध है उसको मैं अधर्म मानता हूँ अब मेरे मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना उसको उनको प्रूव करना पड़ेगा की ये काम वेद विरुद्ध है जबरदस्त वेरी गुड मगर मैं अब जो आपकी बात थी ना उस पर आर्य समाज की बात इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं सनातन धर्म को स्टडी करता हूँ ना तो आर्य समाज पौराणिक के मुकाबले के अंदर बहुत ज्यादा जोर देता है प्रमाण के ऊपर वेद के ऊपर पढ़ने के ऊपर और शास्त्रों के ऊपर तो मैं इसीलिए यहाँ से आपको पता चल गया कि वेद से जो विरुद्ध होगा वही अधर्म है यानी धर्म अगर आपने जानना है तो वेद से अविरुद्ध होना चाहिए और आपने बड़ा प्यारा सवाल रखा अब यहाँ देखिएगा उनसे पूछा गया सत्यारत प्रकाश में और सफा 170 के ऊपर सौ 170 के ऊपर सातवां समूलास है ये उसमें जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि ईश्वर ऋषियों को कैसे वेद वेद दिए लोगों को कैसे मिले बाद में उन्होंने कैसे लिखे आखिर में उन्होंने कहा जब भी तुमसे कोई पूछे तो यही उत्तर देना आखिरी लाइन यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं यानी वेद को ही धर्म कहा गया

कि अगर हम ये माने कि जो वेद, वेद से भाई खिलाफ भाई। होगा वो धर्म है वेद से खिलाफ होगा वो धर्म होगा अगर देखिएगा ये आपके सामने ऋग वेद है इसका मंडल है एक और सूक्त थर्टी वेद के खिलाफ होगा ना वो वेद के खिलाफ कहाँ गया है बताओ मेरा मोबाइल चलाना कहाँ गया है वेद के खिलाफ जबरदस्त मूर्ति पूजा खिलाफ है कि नहीं कहा है बताओ मेरे को वेदों में कहा लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा करना गलत बात है दंडनीय अपराध मैं ये ये कोई आर्य समाजी आएगा तो मैं उससे जरूर पूछूंगा सिर्फ ये एक आखिरी आपको जबरदस्त ये आखिरी आपसे एक भावर्थ मैं पढ़वाना चाहता हूँ धर्मियों का नाश कैसे किया जाएगा उनको कैसे काटना है उनको कैसे अपने देशों से निकालना है मगर अभी के देख लीजिए कि इन्होंने आर्य समाजियों ने परमेश्वर को ईश्वर को पकड़कर पक्षपाती बना दिया है ये देखिएगा जरा ये पढ़े भावर्थ धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं दुष्ट नहीं ठीक है परमात्मा भी धार्मिक मनुष्य ही को आशीर्वाद देता है पापियों को नहीं रुक जाए जबरदस्त बात की ना समस्या ये हाँ। है कि आर्य समाज हाँ। के अनुसार धार्मिक सिर्फ वो लोग होंगे जो वेद के अनुसार चलेंगे वेद से विरुद्ध चलेंगे तो धार्मिक ही नहीं होंगे धर्मी तो उनको ना आशीर्वाद मिलेगा वेद कौन चल रहा है मेरे को बताओ तो सही कौन चल रहा है वेद विरुद? को तो से विरुद्ध मेरे कोई सनातन वेद से विरुद्ध आर्या समाजी कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो वेद से विरुद्ध है किसने बोला मतलब आर्य समाज में कौन बोल रहा है की मूर्ति पूजा करना वेद से विरुद्ध है तो प्रूव भी तो करना पड़ेगा की कहा वेद से विरुद्ध है कहीं पर भी जिक्र मैं आपका ये सवाल ले रहा हूं और मैं ये चाहूंगा कि मैं इनसे जो है वो इस चीज का लूं अब ये देखे मेरे हाँ, तो हिसाब से मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ गलत है ऐसा कहीं नहीं लिखा और नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं लिखा एक, कत, एक प्रतिमा नहीं है लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बना नहीं सकते या फिर आप है ना आप उसके अंदर कुछ फीलिंग नहीं ला सकते ये सब चीजें इंसान की पर्सनल होती है तो उसको वो चीज करने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए और होती ही है अवतार तो वो तो, वो तो के, के बारे में बात की गई अवतार लेता है ऐसे लोगों को मारने के लिए तो आखिर में देखिएगा दो लाइने आखिर में वो कहते हैं शुद्र जीव के मारने के लिए जन्म मरण युक्त नहीं। कहने नहीं। वाले को मूल से अन्य कुछ विशेष उपम क्या लिखा है उपमा उपमा मिल सकती है यानी उसकी मिसाल क्या दे रहे हैं कि वो मूर्ख जन है जो मूर्ति पूजा की बात करता है या उनको अवतार सॉरी अवतार मानता है मूर्ति पूजा के ऊपर ना मैं आपको एक बात बता रहा कृष्ण भगवान ने खुद ने ऐसा बोला है और वो बात ये बोली है जब उन्होंने विराट रूप दिखाया था ना अर्जुन को तब उनने बोला था कि ये तुम्हारे समझने के लिए बस मैं दिखा रहा हूँ वरना मैं पूरा का पूरा इसमें ना समा सकता हूँ ना वो तुम कभी जान पाओगे क्योंकि ये ना अवतार जो होते हैं ना उसमें पूर्ण परमात्मा कभी नहीं होता अंश मात्र होता है अंश मात्र और वो बहुत छोटा होता है लेकिन वो भी अपने कंपेरिजन में बहुत बड़ा होता है क्योंकि अपन साधारण जीव है ना अपन को उतनी नहीं समझ आती ठीक है ठीक है चले बहुत शुक्रिया धर्मा जी मैं आपको एक प्रमाण दिखाना चाह रहा था आ, ये देखे जरा ये देखना जरा ये कितनी खतरनाक बात की है धर्मा जी जो आप बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध बात है जो आर्य समाज ने की ये प्रकाश समोलास में सभा दो सफ़ा 255 पर उत्तर देते हैं मूर्ति पूजा के विषय के ऊपर बात करते वो कहते हैं पढ़ लीजिए आपके सामने खुद पढ़ ला कहना चाहिए मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध है उनको प्रमाण करना जानो नास्तिक होना और मैं ये चीज मैं खुद भी बोलता हूँ जो जैसे कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं ना तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि तुम कृष्ण के शरीर की पूजा कर रहे हो कि कृष्ण के अंदर बैठे हुए परमात्मा की पूजा कर रहे हो जबरदस्त जबरदस्त मगर मसला तो ये पड़ गया दूसरी पे लिखा हुआ है मूर्ति पूजा हाँ मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा अब ऊपर क्या लिखा हुआ है जब क्या लिखा है वेद विहित धर्म और वेद विरुद्ध चरण में अधर्म है जो कि ये मान के हैं तो पुण्य तुम्हारे वेज़े कहने वेज़े से भी। भी। मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा आपको पता चला कि ये आर्या समाज की बेस है ये मूर्ति पूजा अधर्म है वेद से विरुद्ध है लिहाजा वो नास्तिक होना है धर्मा जी आपसे बात करके बड़ा खुशी हुई बड़ा जनाब मजा आया और बड़ा कुछ सीखने को मिला आगे बढ़ेंगे ताकि अगले दोस्त से बात कर सकें जी जी एक एडवाइस लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि आप आर्य समाज को मानो मतलब उनकी बातें आप नहीं भी मानोगे ना तो भी आपका चल जाएगा मतलब कोई दिक्कत नहीं मतलब साउथ इंडिया में ना आर्य समाज इतने नहीं है लेकिन वहां पे भी सनातन धर्म एग्जिस्ट करता है और उनकी जो मानने की चीजें है ना वो दूसरी है तो आप है ना मतलब इसको ऐसा समझो कि फ्रीडम ऑफ चॉइसेस वाला धर्म समझो इसका ठीक है मगर मसला ये पड़ गया है कि शास्त्रों से हटकर बात की जा नहीं सकती मेरे लिए मसला ये मेरी बात सुनो शास्त्र भी इंसान ही लिखता है ना आप भी इंसान हो ना तो खुद की बुद्धि और उसको विवेक को जागृत करोगे ना तो आपको भी चीजें समझ में आने लग जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है हम्म मगर ये ना मैं, आपको ये दिखाता हूं। और मैं बोल रहा हूँ कि कोई सी भी चीज लिखी हुई है ना तो वो किसी इंसान ने ही लिखी है ठीक है हुँ. अब ये ठीक है जबरदस्त आपने कह दिया आपने कहा कि आर्या समाज को नहीं भी मानोगे तो चलेगा मगर मसला ये है कि आप तो कह रहे हो बड़ा अच्छा लगा मुझे तो आप उनसे पूरा लड़ो कोई अगर आपको काटने आ रहा है ना तो आप लड़ो उससे कोई दिक्कत हुँ, नहीं हम्म हम जबरदस्त मगर शास्त्रों से हटकर अपनी तर्क और बुद्धि को जो है इस्तेमाल करना इस बारे में भगवत गीता जो है उसका अध्याय 16 और 23वां जो हर मैंने मैंने पढ़ रखा है भगवान ने ये भी बोला है विनाश काले विपरीत बुद्धि कभी कभी अपनी बुद्धि पे भी हम दावा नहीं ठोक सकते विनाश काल में तो बुद्धि भी पलट जाती है इसलिए मन बुद्धि अभी तो आप बुद्धि के हिसाब से चलो जब आपकी बुद्धि वैसी तीव्र हो जाएगी ना कि आप योग दर्शन कर पाओगे तो जब योग दर्शन करोगे ना तो आपको मन बुद्धि को भी त्यागना पड़ेगा और जब आप वो त्यागोगे ना तभी आप ईश्वर तुल्य जो पहला श्लोक आपने बताया था ना ईश्वर तुल्य कर्म गुण कर्म स्वभाव उसको पहचान पाओगे की वो एक्चुअल गुण कर्म स्वभाव कैसा होता है हाँ 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 ठीक है।, मतलब है कि शास्त्रों में यह प्रमाण है, तो है, हाँ, है।, है, वेद, वेद है और जो वेदांता है ना वो अलग है मतलब कर्म मीमांसा आप पढ़ोगे ना तो ये छह अलग अलग दर्शन है तो छह अलग अलग पॉसिबिलिटी है लाइफ को एक्सपीरियंस करने की तो कोई कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैं कोई सा भी मानू रहूंगा सनातन हाँ रहोगे आप मेरे को बताओ कि आप बस अधर्म अगर कुछ कर रहे हो धर्म अधर्म तो है ना आपको है ना ये आप कॉन्स्टिट्यूशनली कर सकते हो आपको जो धर्म का पालन करना है आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करो ये सब पिता जो जो हो आप, जो हो आप आप एज अ पुत्र ये सब ड्यूटी फॉलो करो आप इंसान हो जबरदस्त आपने कहा कि मैं किसी को भी फॉलो करूंगा तो मैं सनातन रहूंगा मगर आर्या समाज के अनुसार मैं अगर वेद विरुद्ध किसी जगह पर जा रहा हूँ तो मैं सनातन नहीं हूं ये बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए तो फिर मैं कैसे मैनेज करूंगा तो आप उनसे पूछना ना कि मैंने वेद वेद विरुद्ध किया क्या और अगर उसको ठीक है यानी आप, आप, आप ये आप ये धर्म जी आप ये कह रहे हैं कि जब अगर वो मुझे कभी ऐसा कहें कि तुम सनातन नहीं हो या वेद से विरुद्ध हो तो मुझे ये कहना चाहिए कि दिखाओ मैंने क्या वेद से विरुद्ध काम किया ये कहना चाहिए बस ये बोलना जबरदस्त 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 ठीक है और

आपने कुरान भले ही पढ़ा होगा मैं मानता हूँ कोई बात नहीं लेकिन जितनी उससे आपने वो पढ़ी ना उतनी ही मतलब ओपन माइंडेड से आप इन चीजों को पढ़ो और उसमें से जो कमियां है ना उस कमियों को निकालो आप कोई दिक्कत नहीं उन कमियों पे आप आर्ग्यूमेंट करो डिबेट करो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर उसमें सुधार होना चाहिए तो उसमें सुधार भी हो जाएगा ठीक है आपने शंकराचार्य जी का नाम लिया तो आर्य समाजी तो ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने झूठ बोला था बुद्ध और जैन से शास्त्रार्थ जीतने के लिए तो अगर शंकराचार्य जी को पढ़ूंगा तो उसके बारे में तो ये कह रहे अरे वो झूठ नहीं, 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 नहीं होता है नहीं, नहीं होता। जैसे मैंने आपको जो राय दी है ना उससे विपरीत राय में किसी और को भी दूंगा लेकिन आपको को देखते मेरे को लगता है कि आपके लिए ये चीज सही है तो मैं वो राय आपको दूंगा दूसरे के लिए मेरे को लगता है उसके लिए वो चीज क्योंकि बैलेंस होना जरूरी है अगर सुई इधर की साइड चली जाती है ना तो उसको बीच में लाना के लिए लेफ्ट करना पड़ता है इधर जाती तो राइट करना पड़ता है तो कभी लेफ्ट जाना पड़ता है कभी राइट जाना पड़ता है क्योंकि बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए ठीक हो गया मैं मैं इस पर मजीद सोचता हूँ और देखता हूँ जो बात रखी है धर्मशास्त्रों के अनुसार कैसे है धर्म के अनुसार कैसे है सत्य को किस तरीके से मैं लेकर चल सकता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी बहुत है। ना, ये, ये सारी कंफ्यूजन है ना सभी को आते इसलिए ना इसमें बोला गया है कि आप गुरु शिष्य परम्परा को फॉलो करो यानी कि आपको अगर ये सारी जानकारी लेनी ना तो किसी गुरु से लो और उसके थ्रू लो डिबेट करो उनसे उनसे प्रश्न पूछो उनको तो बताओ ये चीज गलत है वो चीज गलत है अगर वो आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप मानो नहीं कर रहे तो निकल जाओ वहां से ठीक ठीक है है, है। तो आर्यमा जी भी कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती हमारा गुरु है वो गुरु के हिसाब से चल रहे हैं तो वो फिर ठीक हुए फिर इसका मतलब ये हाँ अगर स्वामी दयानंद सरस्वती आज जिंदा होते ना तो मैं उनसे कुछ प्रश्न जो मेरे रह गए हैं वो भी मैं उनसे पूछता लेकिन अभी वो नहीं पूछ सकता इसलिए मैं उसी को मानूंगा ना जो जिंदा गुरु है है ना हम्म वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो जैसे very अभी good. अभी तो बहुत सारे हैं मार्केट में सदगुरु है आचार्य प्रशांत ये है वो है तो चलता है इनसे भी अपन कुछ पूछ सकते हैं फिलोसॉफी जानने के लिए अपन सदगुरु तो सदगुरु को मैंने सुना वो तो कहते हैं कि नास्तिक वो नास्तिक फिलोसफी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं हाँ, हाँ, कोई बात नहीं है जब ठीक है इन सब चीजों से कोई बात नहीं इंसान अपने लॉजिक के हिसाब से मतलब उसके पास रीजन रहता है ना कुछ भी चीज फॉलो करने का और वो वो रीजन अगर कुतर्क नहीं है तो वो वेद विरुद्ध भी नहीं होगा नहीं वेद तो जब हाँ, जबरदस्त वेद विरुद्ध नहीं होगा और मैं याद रखे कि जब वेद की बात कर रहा करूं तो जो परमेश्वर से प्रकाशित हुए हैं मैं उन वेद को सामने रखकर रख करूँ अगर नास्तिक जो है हाँ नास्तिक जो है जो ईश्वर का जो है वो कतई यकीन नहीं रखता है उस पर विश्वास नहीं रखता है तो वो वेद से विरुद्ध नहीं होगा फिर अगर वो कुतर्क द्वारा रीजनिंग दे रहा है ना तो वेद निंदक हो जाएगा लेकिन अगर 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 उसके इसमें रीजनिंग ठोस है ना और उस, उसको हम हम डिबेट में अगर हम उससे बात कर रहे हो और अगर हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और हम बता सकते हैं मतलब न्याय शास्त्र के न्याय शास्त्र के हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ेगा तो अगर वो कुतर्क कर रहा है ना तो वेद निंदित तो कुतर्क यानी क्या मैं बोलूंगा दुनिया कैसे बनी तो कोई बोल देगा जादू से बनाई चुटकी बजा के तो ये चीज वेद विरुद्ध हो जाती है ये मतलब ये मिरेकल विरेकल टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए फैक्चुअल चीजें होनी चाहिए हम्म हम्म ठीक ठीक है थीक है जबरदस्त हो गया मगर मसला ये है कि यानी आपने जो पॉइंट रखा क्योंकि मुझे मजा आ रहा है आपसे सीखने को मिल रहा है काफी कुछ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि कुतर्क जो है तर्क हो बुद्धि का उपयोग हो कुतर्क ना हो तो उसकी आपने एक उदाहरण भी दे दिया कि जो जादू से बनी है सेट तो ये जो गणेश का सर लग गया ये मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ ठीक है आप इसको तर्क मानो और आप इसके ऊपर इसको मत मानो चलेगा और अगर आप इसमें से एक डीप फिलोसफी अगर हटा के अलग कर रहे हो ना तो आप उसको मान सकते हो लेकिन कोई भी इस चीज इस रूप में मान रहा है ना तो फिर वो माने ही क्यों सही है ना जबरदस्त जबरदस्त यानी श्री गणेश के सर पे जो हाथी का सर ये मूर्ति मैं देखता हूँ ये कुतर्क है ऐसे ही है ना नहीं नहीं, नहीं भैया वो देखो जो दूसरे इंसान कर रहे हैं ना उनसे पूछना पड़ेगा वो आपको जैसे कि आपको जब तक समझ में नहीं आया ना आप वो ने ने, ने, आपने सॉरी सॉरी धर्मा भाई तो आपने तो ये बोला कि कुतर ये है कि जो साइंस के जैसे चुटकी में जादू से बन गई तो मैंने नहीं आज तक देखा कि किसी के आप, आप, उसको उसको जैसे गणेश जी को आपको ऐसा आप मानना है ना कि ये कुतर्क है धर्मा जी क्योंकि मैं आपसे इंस्पायर हो रहा हूँ मैं आपसे इंस्पायर हो रहा हूँ तो मैं आपसे पूछना चाहूँ और मुझे अच्छा लग रहा है आप बहुत सिंसियर और सत्य के साथ बात कर रहे हो तो मैं भले ही वो मेरे ही बंदों को गलत क्यों ना लगे मैं को जबन, जो बोलना जबन, पड़े। मैं आपके विचार सॉरी मैं आपके विचार इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि मुझे आपसे एक अफिलियन फील हो रही है कि मैं आपसे सीख सकता हूँ आप इस चीज को तर्क मानते हैं कुतर्क मानते हैं ये श्री गणेश का तर्क लगाते नहीं, नहीं मैं इसको एक फिजिकल हिस्ट्री नहीं मानता हूँ मैं इसको एक कथा मानता हूँ कथा यानी काल्पनिक कथा ये जो गणेश जी वाली चीज चीज है ना इस को अच्छा काल्पनिक है ये तो इसकी फिर मूर्ति क्यों बनती है अगर काल्पनिक चीज है तो मूर्ति नहीं बनानी चाहिए थी फिर क्यों नहीं बना सकते मान लो कि, कि आपने, आपने कुछ इमेजिनेशन करा और आपने उसकी पेंटिंग बना दी तो मैं आपको क्या आके मारू क्या कि आपने पेंटिंग क्यों बनाई नहीं 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 ऐसा नहीं मारना है ऐसी बात नहीं कर रहा मारने की मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक चीज जब फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कुतर्क है और आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा कि कुतर्क वेद से विरुद्ध है उसका मतलब यह है कि ऐसी मूर्ति जो कुतर्क हो वो वेद से विरुद्ध है आपने खुद कह दिया ना तो फिर वेद से विरुद्ध मूर्तियां क्यों बना रहे हैं जो कुतर्क है मिसाल के तौर पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी मनुष्य के सर के ऊपर हाथी लगा हो या किसी मनुष्य के सर पर घोड़ा हो या कोई बंदर जो है वो इस तरीके से मनुष्य की तरह घूमता हो ये कुतर्क है और कुतर वेद से विरुद्ध आपने खुद कहा है हाँ हाँ अब मेरी बात सुनो देखो अगर आप ऐसा मान रहे हो ना कि गणेश जी के सिर सिर कटा उसके बाद उनके ऊपर हाथी का सिर लगाया फिर ये वो तो है ना आपको ये स्टोरी अगर इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक लग रही है ना आप इसको बिल्कुल भी मत मानो ठीक है अगर आप दबर एक विघ्नहर्ता विघ्नहर्ता यानी कि जो आपके रास्ते की अड़चन को हटाए और ऐसा कुछ मतलब आप ऐसी चीज की कल्पना कर रहे हो कि मतलब कोई उस रूप में मेरी हेल्प करे और मेरे रास्ते में जो भी चीजें आ रही उन सब अड़चनों को हटाए तो उसकी स्तुति करने में किसी का कुछ नहीं जाना उसमें चार चीजें होती है एक जो ज्ञान योग होता है ना वो बुद्धि प्रधान होता है और जो भक्ति योग होता है ना वो मन प्रधान होता है तो मन को जो अच्छा लगता है ना जैसे बुद्धि और, तो और मन के हिसाब से भक्ति भाव या फिर स्वार्थ भाव या परमार्थ भाव ऐसे अलग अलग भाव आते हैं तो जो भाव होता है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा मैं आपसे ना एक बड़ा सिंपल सा क्योंकि अब मैं सनातन धर्म के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ या मैं उसको स्वीकार करने के बारे में सोचता हूँ या उस बारे में बात करता हूँ तो मिसाल के तौर पर मुझे अगर कोई कुतर्क चीज नजर आती है अपनी बुद्धि से मुझे लगता है कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है कि चीज हो और अगर कोई सामने वाला सनातनी है, वो कहे कि तुम्हें ये लग रहा है तुम्हारा पर्सनल इंडिविजुअल या सब्जेक्टिव ओपिनियन है मुझे तो लगता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है उसके पास हर किस्म की शक्ति मौजूद है वो लगा सकता है किसी मनुष्य के सर के ऊपर हाथी का मैं मैं इस पे क्या कहूंगा क्योंकि वो मेरे तर्क को कुतर्क में बदल रहा है वो कह सकता है कि ईश्वर सर्व शक्ति है वो लगा सकता है उस पर मैं क्या कहना चाहिए मुझे उससे आप ये बोलो कि मैंने नहीं देखा तो मैं क्यों मानू और आप यही चीज हर हर जगह बोलो मतलब इसमें भी आप भी सच्चाई रखो कि मैंने जो चीज़ नहीं देखी मैं उसको नहीं मानूंगा जबरदस्त 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 ठीक हो गया सनातन धर्म पे ही अप्लाई करनी है वो आपको अगर अपने इसमें दिखे ना कुरान में भी दिखे तो उस उसपे भी आप क्वेश्चन करो क्योंकि ये सनातन में अच्छे में अच्छे में ये ये क्वेश्चन करने की असल असल में में है कि मैं इस वकत, मैं इस इस वक्त वक्त तो तो कुरान को तो पढ़ नहीं रहा मैं इस वक्त सनातन धर्म को पढ़ रहा हूँ तो मैं उस पर आप ओपन माइंड लग रहे हो तो मे भी मेको भी बात करना अच्छा लगा इसलिए मैंने कर लिया थैंक यू थैंक यू सो मच आगे बढ़ेंगे धर्मा भाई बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा मजा आया और मैं आपके द्वारा या आपके तवसुत से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह धर्मा भाई सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं इसी तरह सामने रखनी चाहिए कि कोई चीज भी जो कुतर्क हो वो वेद से विरुद्ध है उसको तर्क कर देना चाहिए उसको छोड़ देना चाहिए सिर्फ तर्क और बुद्धि के अनुसार सनातन धर्म के अंदर जो चीजें सामने आ रही हैं उसको माना जाए तो लिहाजा जो लोग इस तरह की मूर्तियां या चीजें कर रहे हैं तो तर्क, तर्क, तर्क भी छोड़ना पड़ेगा जब आपको योग हो जाता है ना उसके बाद आपको तर्क नहीं मानना रहता मतलब जो बुद्धि और मन का विषय है ना उसको छोड़ना पड़ेगा फिर आत्मा का विषय ही रह जाता है वो अद्वैत में आता है तो वो आपका शर्ड दर्शन पढ़ोगे ना मतलब वेदांत दर्शन या फिर सांख्य दर्शन तो उसके बाद आपको अच्छा नॉलेज होगा आप बाकी ये कहानी किस्सों में जाओगे ना पौराणिक कथाओं में तो आप भटक जाओगे इसलिए उसको ही पढ़ो तो अच्छा है क्योंकि धन्यवाद बहुत जी भाई you, दन्यवाद। दन्य। दन्यवाद। दोस्तों धर्मा भाई हमारे साथ थे बड़ी जो है वो ज्ञान से भरी हुई बातें आपके सामने रखी गई मैंने बहुत कुछ सीखा मुझे पता चला कि एक सनातनी जब अः सही में तर्क और बुद्धि को इस्तेमाल करता है तो उसमें फिर आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि जिन लोगों की मूर्तियां बनाई हुई हैं वो लोग क्या ऐसे ही थे या काल्पनिक हैं जिस तरह के धर्मा भाई ने कहा तो यकीन हमें इस बारे में सोचना होगा क्योंकि जब मैं सनातन धर्म या घर वापसी के बारे में सोच रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे भी इस तरह ही सोचना होगा मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं घर वापसी करूं या मैं सनातन धर्म के अंदर आऊं और मुझे उस जो है ना वहाँ काल्पनिक कथाएं दिखाई दें या ऐसी गपोड़बाजी दिखाई दे जिसका तर्क और बुद्धि से कोई संबंध नहीं है दूर दूर का भी तो मैं तो कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ खैर बढ़ते हैं आगे देखते हैं हो सकता है कुछ काम की बात हमें समझ आए अद्वेत वेदांता हमारे साथ है जी भैया बिल्कुल ठीक वेदांत भाई आप हिंदुजम के बारे में पूछ रहे हैं ना इसलिए क्यों मानना चाहिए हिंदुइज्म कहता है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन गोल इज टू मैनिफेस्ट इट बट कोई रिलीजन नहीं कहता ऐसा अगर सपोज इस्लाम में चाहेंगे तो एवरी एवरी पर्सन इज ए स्लेव ऑफ अल्लाह समझ नहीं आई मुझे पहले भी समझ आ, नहीं आई आपने पहले क्या बोला है मुझे मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया सॉरी दोबारा रिपीट करें इट सोल इज पोटेंशियली डिवाइन गोल इज टू मैनिफेस्ट इट क्या कौन कौन डिवाइडेड है सोल 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 इज डिवाइडेड बाय व्हाट व्हाट

विदानता भाई मुझे समझ ही नहीं आई आपकी पहली बात की मुझे उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प तो करने दें मुझे पिक तो करने दें तभी मैं कंपैरिजन करूंगा ना सोल तो इज क्या है डिवाइन डिवाइन है ओके okay. उसके बाद क्या होता है उसका गोल इज टू रियलाइज इट है क्या चीज गोल गोल ऑफ गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या इस्लाम में गोल क्या है इस्लाम इस्लाम का गोल क्या है बैसाखी के अलावा बात करनी है आत्मा जो बोला उसका पूछ का गोल नहीं see, गोल क्या है मुझे देखे मुझे यार मुझे धर्म भाई इतना अच्छा समझा रहे थे आपने फिर मुझे पटरी से उतार दिया मैं सनातन धर्मा के ऊपर आगे बढ़ा था आपने मुझे धक्का दे के पीछे हटा दिया ऐसा चले मुझे ये हाँ, हाँ, हाँ। बताएं स्पिरिट जो सोल है वो डिवाइन है ठीक हो गया मुझे समझ आ गई यहाँ तक उसका ओ, गोल क्या है नहीं नहीं ह्यूमिटी का गोल क्या है Islam में गोल क्या है अमित भाई ओहो वेदांता भाई आप पहले आत्मा का गोल कह रहे हैं अब ह्यूमन बीइंग का गोल ह्यूमन बीइंग का गोल तो खाना खाना भी है अच्छा आत्मन बीन का नहीं रहता है क्या आत्मा किसका रहता है

मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने दें मुझे पज़ल ना करें बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म पढ़ रहा हूं मेरे पे थोड़ा सा रहम कीजिए अच्छा अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मुझे यह जानना है आत्मा जो है है वो डिवाइन है, और उसका गोल क्या है गोल बताइएगा आत्मा का उसका रियलाइज करना भगवान को रियलाइज करना ही वो, वो, स्पिरिचुअलिटी का गोल है। अगर भगवान